Hello everyone, welcome back to the Hindu Explainer series और मेरा नाम है सचिन पाटिल और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रही है, आप लोगों के आंसर्स मुझे बराबर मिल रहे हैं भाई कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ और कुछ बच्चे गलत आंसर भी कर रहे हैं। तो देखिए भाई, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपको आंसर्स करने हैं भाई सारे, क्लियर। मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत जो है सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल किस देश के साथ में खरीदता है, तो इराक के साथ में हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, है ना। और कई लोग मैक्सिको आंसर कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं आज के न्यूज़पेपर को, 7 अक्टूबर 2021। आप देख सकते हैं ये लखीमपुर खेरी का जो केस चल रहा था, जो मुद्दा चल रहा था, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आज वो जाकर के फाइनल जो है वो सुनवाई करेगा, हियरिंग करेगा। यहाँ पे ये चीजें कही गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का मामला अभी देखने को मिला 2 दिन पहले, आशीष कुमार मिश्रा या जो बेटे हैं अजय कुमार मिश्रा के, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो वहां पे उनके द्वारा इस तरीके का कारनामा देखने को मिला है। बहुत सारे यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर 302 सेक्शन के तहत, 3042 सेक्शन के तहत। अब उस चीज को लेकर के यहाँ पे जो दाव पे चल रहे हैं पॉलिटिकली तरीके से, है ना, मनाया जा रहा है किसानों को, तो इन चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि इसकी जो है आज फाइनल सुनवाई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, WHO ने रिकमेंड किया है भाई फर्स्ट एंटी मलेरियल जो वैक्सीन है उसकी यहाँ पे बात की गई है, क्लियर। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है भाई, और उसका यहाँ पे नाम भी मेंशन किया गया है क्या है मलेरियल जो वैक्सीन है। ये फर्स्ट WHO के द्वारा अप्रूवल वैक्सीन है जो कि फाल्कीपा रन जो मॉडरेट टाइप का जो मलेरिया होता है उसके लिए इस वैक्सीन को बनाया गया है। यहाँ पे इन बातों को कहा गया है WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनम के द्वारा, क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं US एक्सप्रेस टू अनसीज जो है अनईज ओवर S-400 डील को लेकर के, यहाँ पे कह रहा है कि भाई कि इस प्रकार की डील आपको रोक देना चाहिए रशिया के साथ में, कि आप किसी भी तरीके की S-400 मिसाइल को ना परचेस करें रशिया के साथ, नहीं तो आपके ऊपर काट्सा जो एक्ट है उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पे कही गई है। इसका सेकेंड पार्ट दूसरे पेज में भी मेंशन किया गया है, वो क्या है उसको हम आगे देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी अनाउंस हो गया है भाई, है ना। आप 2 दिन से देख रहे हैं लगातार कि नोबेल प्राइज अनाउंस किए जा रहे हैं। इससे पहले फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन को लेकर के हुआ है, फिर फिजिक्स को लेकर के हुआ, अब आज के पेपर में हमें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज देखने को मिला है। जर्मनी के बेंजामिन एंड US बेस्ड डेविड मैकमिलन को, दोनों को ज्वाइंटली तरीके से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है इनके कैटलिस्ट रिसर्च को लेकर के। ये क्या है इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, क्लियर। नोबेल प्राइज क्या है, कई बार हम लोगों ने डिस्कशन करा है, 2 बार हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आप पेज में देखेंगे कि जो ड्रग्स पकड़ाया गया था मुंद्रा पोर्ट में, यानी आज से काफी टाइम पहले की बात कर रहे हैं, 3000 किलोग्राम का हेरोइन यहाँ पे पकड़ा गया था डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। तो अब फाइनली ये बताया गया है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा है वो ले लिया गया है किसके द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ले लिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया गया है, कौन से एक्ट को ध्यान में रखते हुए या कौन से प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इसको रखा गया है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के द्वारा, एंड उसके बाद में UAPA एक्ट के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, इसको इस प्रोविजन के तहत NIA ने इस इन्वेस्टिगेशन को लिया है, ठीक। इसके अलावा उस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया था कि इंडिया US
जो वर्क क्लोजली है उन ऑन अफगानिस्तान से श्रृंगला ये कह रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला कि भाई कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात आज से 1-2 महीने पहले जो हुए हैं उस चीज को लेकर के यहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन करने की बात की गई है कि हम दोनों मिल करके यानी अमेरिका और इंडिया मिल करके यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, पीस को मेंटेन करेगा, यहाँ पे इस चीज को कहा गया है। क्लियर? इसके बाद में यहाँ पे कहा गया है S-400 एग्रीमेंट जो रशिया के साथ में 2018 में हमने किया था उस चीज को भी लेकर के यहाँ पे अमेरिका ने ये कहा है, क्योंकि उस ये किसके द्वारा कहा गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो मीटिंग हुई उसके अंदर यूएस के जो काउंटर पार्ट है विजिट करने जो आए हैं यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट जो है वेंडी शर्मन, इन्होंने ये सारी चीज को यहाँ पे कहा है कि भाई कि 2018 का जो आपका S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर के आपने रशिया के साथ डील जो की है उसको बंद कर दें या उसको खत्म कर दें या उनसे परचेज ना करें, नहीं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, जिसको कहा गया कि अंडर दी सेक्शन काट्सा जो एक्ट है या लॉ जो है वो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया के ऊपर यूएस ने इस प्रकार के काट्सा एक्ट को लगा दिया है। भाई इस तरीके के काट्सा लॉ को लगा देने के बाद काफी सारा सैंक्शंस लग जाते हैं, बहुत सारी चीज को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं, ऐसा भी ये कहा गया है कि इस चीज को लेकर के आप सोचिए, बातें करिए। डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरीज वॉशिंगटन डीसी वीकेंड में ये बात की जा रही है और उसमें ये भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में जो 26 अक्टूबर को जो 2+2 डायलॉग मीटिंग होने वाली है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा, फिर बात रखी जाएगी, क्योंकि 2+2 डायलॉग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ी दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया की 2+2 डायलॉग हुई है। यहाँ पे 2+2 का मतलब क्या है, दो मिनिस्टर्स इंडिया के, दो मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के थे, यहाँ पे एक फॉरेन मिनिस्टर एंड एक डिफेंस मिनिस्टर जो कि उनके काउंटर पार्ट के साथ में मिल करके बायलेटरल डील करते हैं, ट्रेड डील करते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें होती हैं। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि 26 अक्टूबर को जो मीटिंग होने जा रही है 2+2 की, इसको भी लेकर के यहाँ पे बताया गया है, टॉपिक को कवर किया गया है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं, यूपी ने टॉप किया है भाई लिस्ट में स्टेट एमिटिंग फाइन पार्टिकुलेट जो मैटर है, जो हवा में जिस तरीके का पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है एयर पॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे पार्टिकुलेट जो मैटर है 0.25 PM 2.5 10 पॉइंट की जो बात करते हैं, इसमें एमिशन को लेकर के कितने जो डिस्टेंस में आपको जो पोल्यूशन देखने को मिलता है उसमें आपको ये देख सकते हैं अलग अलग रिपोर्टें जो आई हैं अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, उन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपी यहाँ पे टॉप कर रहा है भाई। महाराष्ट्र इसमें सेकेंड पोजिशन पे है, मध्य प्रदेश तीसरी पोजिशन पे, उड़ीसा फोर्थ पे है, राजस्थान वेस्ट बंगाल, इस तरीके से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा किया गया है भाई, तो काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। इसमें यही चीजें बताई गई हैं कि कहां पर ये जो पॉल्यूशन है या पर्टिकुलेट जो मैटर है जो ज्यादा देखने को मिला है, यानी इसको क्या कहते हैं भाई कि जो हवा है उसमें जो छोटे छोटे जो कंकर होते हैं या जो धूल होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उससे कितनी प्रॉब्लम होती है इस चीज को लेकर के या एयर को लेकर के यहाँ पे इस डेटा को निकाला गया। काफी सारी रिपोर्ट है जो कि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे पब्लिश की गई है, तो हमें वो याद नहीं रखना है, हमें तो सिर्फ ये रैंकिंग याद रखनी है कि इसमें कौन टॉप पे है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है भाई। क्लियर? ये देख सकते हैं कॉमन पॉल्यूटेंट्स जो है जिसकी यहाँ पे बात की गई है, तो पॉल्यूटेंट्स में यहाँ पे क्या कहा गया है कि पर्टिकुलेट जो मैटर है 2.5 PM 10 की बात की गई है, फिर उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड की बात की गई है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की गई है, कार्बन
ऑक्साइड मोनोऑक्साइड की बात की गई है, अमोनिया की बात की गई है, नॉन मेथेन जो वॉलेटिन होता है उसकी वॉलेटाइल की बात की गई है। तो ये सारे कंटेंट होते हैं कॉमन पॉल्यूटेंट जो पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आपको रैंकिंग याद रखनी है भाई। और एक ये छोटा सा आर्टिकल आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, आज से कुछ टाइम पहले यानी 1986 के टाइम पीरियड में एक किरदार हुआ करता था, एक जाना माना किरदार जो बहुत लंबे समय तक और आज भी इनको जाना जाता है, अरविंद त्रिवेदी जी की 80 की एज में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है भाई, है ना। 2-3 दिन उनसे ये बीमार भी थे और फाइनली ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इन्होंने किसका रोल प्ले किया था, तो जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो अरविंद त्रिवेदी है ना, एक्टर ऑफ रामायण रावण का इन्होंने रोल प्ले किया था, इस चीज को यहाँ पे कवर अप किया गया है। आपने देखा होगा एक और चीज यहाँ पे देखिए कि जो हमारे ओलंपिक जो प्लेयर्स थे जिन्होंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने मेडल जीत करके आए, उन्होंने भारत आने के साथ में ही जो अपने जो इक्विपमेंट्स थे या जिनसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो आकर के पीएम मोदी को उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट किया था, जिसको लेकर के ई ऑक्शन सिस्टम रखा जिसमें उन चीजों को लेकर के यहाँ पे बोली लगाई गई। देख सकते हैं आप, जेवलिन है, ग्लव्स है, बैडमिंटन है, तो इसको लेकर के काफी सारी बोलियां लगी हैं जिसमें रेट भी बताए गए हैं भाई। जेवलिन तो शायद 1 करोड़ के आसपास में यहाँ पर बोली लगी है, तो इसके लिए ई ऑक्शन रखा है, लोग बाग आते हैं इस चीज को लेकर के बोली लगाते हैं भाई। तो ये रखा गया है यहाँ पे सिस्टम को। आगे बात कर लेते हैं, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है भाई 4,445 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल पार्क को लेकर के फंड को रिलीज कर दिया है। 7 पार्क ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसका नाम होगा 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरल, जिसको पीएम मित्रा पार्क के नाम से जाना जाएगा, जिसमें काफी सारा जिसकी बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा लोगों को। इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है द पार्क आर द एक्सपेक्टेड टू जनरेट 7 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड 14 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स को लेकर के यहाँ पे पीएम मित्रा जो पार्क है भारत सरकार के द्वारा, यूएन जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने इसको पास कर दिया है, इस अमाउंट को रिलीज कर दिया है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पीएम मित्रा आपको याद रखना है भाई, क्लियर। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। 4,445 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है इसको रिलीज किया गया, क्लियर। इसको क्या कहा गया है, ये पार्क एक तरीके से क्या करेगा, स्पेशल पर्पस जो व्हीकल का काम करेगा, ये 7 पार्क में जॉब क्रिएट्स की जाएंगी, लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब प्रोवाइड किया जाएगा भाई, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। चलिए आइए वर्ल्ड सेक्शन के पेज पर, यहाँ पे फिर वही देख सकते हैं आप मैप के अंदर, चाइना और ताइवान का जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि चाइना ये बोलता है कि भाई ताइवान हमारा ही हिस्सा है, ताइवान पर हमारा कंट्रोल है ना, लेकिन ताइवान कहता है कि भाई आप अलग हैं, हम अलग हैं, ठीक, दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन अलग हैं, हमारे ऊपर आपका किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसा बताया गया है कि लास्ट फरवरी यानी 1 फरवरी से लेकर के अभी तक कितनी बार इंकर्जन हमें देखने को मिला है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, क्लियर। ये चाइना और ताइवान के बीच में आप देख रहे हैं कौन सा वाटर स्ट्रेट है, तो इसको ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है भाई, क्लियर। और ये चीजें हम पहले भी जान चुके हैं कि भाई क्यों ये डिस्प्यूट हो रहा है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि भाई कि चाइना ने ये ऑफर दिया था ताइवान को कि भाई आप हमारे साथ मिल जाइए, है ना, हम आपको एक ऑटोनोमस रीजन हम दे देंगे भाई, वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी यहाँ पे लगाई जाती है, ताइवान इस प्रकार के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ताइवान ये कहता है कि हम आपके साथ में ट्रेड रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि यहाँ पे ताइवान ने एक ग्रुप के साथ में जुड़ने के लिए अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे दी, जिसको क्या कहा जाता है,
ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, CPTPP में यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जिसमें 11 नेशंस आते हैं जिसमें चाइना नहीं आता है। ध्यान रखिए, चाइना का ये कहना है कि भाई ताइवान के रिलेशन हमारे डायरेक्टली रहे, ये इस ग्रुप के साथ में ना जुड़े, है ना, जिस चीज को लेकर के ही ये डरा रहा है ताइवान को और इतने सारे इंकर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज को यहाँ पे लेकर के कवर अप किया गया है। फिर वही चीज की जो दो लोग हैं जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया है उसको लेकर के यहाँ पे कवर अप किया गया है भाई पेज में। फिर बात करते हैं आसियान के मेंबर्स, बाकी के 9 मेंबर्स ये सोच रहे हैं कि जो 10वां मेंबर है यानी म्यांमार को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात चल रही है। बिकॉज क्योंकि 26 to 28 2 दिन आसियान की मीटिंग होने वाली है, आसियान की समिट होने वाली है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जनता को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। जनता म्यांमार के अंदर मिलिट्री को कहा जाता है, और अभी आप सभी को पता है कि म्यांमार में मिलिट्री का रूल चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री को हुआ था क्लियर 1 फरवरी 2021, और तभी से वहां पर अभी तक मिलिट्री का शासन चल रहा है। तो इसी चीज को लेकर के आसियान में अभी थोड़ा सा ये मुद्दा चल रहा है कि भाई कि म्यांमार को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, इस चीज को लेकर के बात चल रही है। क्लियर। एडिटोरियल पेज में इस आज ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ पे रोड एक्सीडेंट को लेकर के बात की गई है, यहाँ पे नोबेल प्राइज को लेकर के बात की गई है ना, यहाँ पे बीजेपी के कामों को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि द हिंदू वोट एंड इमर्जिंग जो रेस बताई गई है वो यहाँ पे क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नए नए फंड रिलीज किए जा रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। लखीमपुर खेरी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं इलेक्शन को लेकर के जिसको यहाँ पे कवर अप किया गया है भाई, है ना। तो आज के पेपर में यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है जिसको लेकर के हम इसको डिटेल में चर्चा करें। क्लियर। फिर यहाँ पे रोड एक्सीडेंट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि सालाना यहाँ पे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो होते हैं वहां पे काफी सारे हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लाखों लोगों की जाने जाती हैं, लाखों लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो डेटा मेंशन किया गया है। क्लियर। तो नेशनल हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उसे इंप्रूव करने की, इंप्रोवाइज करने की बात यहाँ पे एडिटोरियल पेज के अंदर कहा जा रहा है। तो आज के पेज में एडिटोरियल में इतना कुछ खास नहीं था जिसको लेकर के मैंने इसको कवर अप नहीं किया है, लेकिन जो स्लाइड्स को हमने कवर अप किया है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं आज। क्लियर। यहाँ पे क्या कहा गया है भाई, श्रृंगला जी के द्वारा या श्रृंगला जो अपने काउंटर पार्ट या फिर उनसे हम बात करें, काउंटर पार्ट बोल रहा हूँ सॉरी, यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जो हैं, है ना, उनके साथ में इनकी मीटिंग हुई है जिनका नाम है वेंडी शर्मन के साथ में इनकी लास्ट डे मीटिंग हुई है। यूएस पार्टनरशिप इंडस पेंसिबल जो मीटिंग हुई है जिसको लेकर के यहाँ पे बात की गई, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं हुई है। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें यह कहा गया है कि इंडिया यूएस मिलकर के वर्क क्लोजली तरीके से काम किया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरीके के अफगानिस्तान में डिस्टरबेंस देखने को हमें मिला है। क्लियर। यहाँ पे ये बात की गई है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन किया जाएगा, यहाँ पे इस मुद्दे को कहा गया है, मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है भाई कि इनको हम मेंटेन करेंगे यहाँ पर। क्लियर। ये चीज कही गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि भाई कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसको लेकर के आप रशिया के साथ में डील को कैंसिल कर दीजिए, है ना, और यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए, आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे और यूएसए से आपके ऊपर लगा देगा, जिसको कहा जाता है काट्सा एक्ट। अब यहाँ पे काट्सा क्या है तो सुन लीजिए, काउंटरिंग अमेरिकास जो एडवर्सरीज जो है, एडवर्सराइज जो है थ्रू सैंक्शंस एक्ट जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा,
ये अभी हाल फिलहाल में ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये चीज या ये न्यूक्लियर पावर को लेकर के भी बहुत ही अग्रेसिवली तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारी डील इनके साथ में कैंसिल हो गई है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय ट्रम्प थे वहीं, और ट्रम्प ने इन देशों के ऊपर काफी बड़े लेवल पे इनके ऊपर काट्सा एक्ट लगाया। ये पास कब हुआ था हाउस के अंदर वहां पर, तो 2017 में क्लियर साइन किया गया था इस लॉ को डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप के में, और इसे किया गया था 2 अगस्त 2017, है ना। और आप सभी को पता ही है कि ईरान न्यूक्लियर डील जो थी 2018 को कैंसिल कर दी गई ईरान के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ कर जाते हैं और उसके ऊपर काफी सारा सैंक्शंस लगा देते हैं। उसी तरीके से 2020 में नॉर्थ कोरिया के साथ में भी उनकी पीस डील जो है वो विड्रॉ हो जाती है, और उसमें भी किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं निकल करके आ पाता है, तो वहां पे भी उसके ऊपर ये एक्ट लगा दिया जाता है। और रशिया के ऊपर तो आप सभी को पता ही है, रशिया क्रीमिया पेनिनसुला को लेकर के वैसे ही चर्चा में है, और उन नेशंस के सपोर्ट में या उनको हेल्प करने के मामले में भी रशिया के ऊपर इस तरीके का काट्सा एक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे यही चीज को कहा गया है कि भाई कि ये एक्ट आप लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है यदि आप उनके साथ में डील कर लेते हैं। तो अब किस चीज को लेकर के डील की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे S-400 को लेकर के डील करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के इंडिया और रशिया के बीच में 2018 में ये पैक्ट साइन हो चुका था कि भाई कि हम ये मिसाइल सिस्टम को ले रहे हैं। अब यहाँ पे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल को लेकर के बात की जा रही है, जिसको नेटो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है SA-21 ग्राउलर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेटो की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको SA-21 ग्राउलर के नाम से जाना जाता है। रशियन नेम S-400 ट्रायम्फ, इसको मिसाइल कहा जाता है। ये एक तरीके की कैसी मिसाइल है, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। मोबाइल इसलिए क्योंकि इस व्हीकल में ये फिट है, ये सिस्टम फिट है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, इसलिए हम इसको मोबाइल लॉन्चर मिसाइल कहते हैं। मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल ये इसका टाइप है, ध्यान रखेंगे S-2A लिखा आ जाता है कई बार, तो आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे इसका मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसको रशिया के द्वारा बनाया गया है ना। इसे सर्विस में रशिया ने कब लेकर के आया, तो 2007 में लेकर के आया। देन फिर चाइना के साथ में इनकी डील हुई 2015 में S-400 मिसाइल सिस्टम को लेने की, जिसकी डिलीवरी 2018 में की गई। और फाइनली 2018 में हमने इसको लेकर के डील की, जिस तरीके के चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। डिजाइनर का नाम क्या है, तो अल्मेज एंटे, इन्होंने मिल करके इसको डिजाइन किया है। ध्यान रखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसके अंदर रखनी है भाई। चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं। S-400 जो ट्रायम्फ मिसाइल है, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसको हम नाम से जानते हैं। इंडिया की डील कब हुई है, तो अक्टूबर 2018, और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और रशिया के बीच में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल को लेकर के कब डील साइन की गई, तो 2018 5.43 बिलियन डॉलर US के साथ में इस डील को किया गया है रशिया के साथ में, जिसको हम S-400 ट्रायम मिसाइल कहते हैं, जिसको लेकर के रशिया के ऊपर भी ये सैंक्शंस अप्लीकेबल कर दिया गया, जिसको हम काट्सा एक्ट बोलते हैं। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम सैम मिसाइल कहते हैं, डिजाइन बाय द रशिया, क्लियर। और ये एक तरीके की कैसी मिसाइल है, ये डेंजरस जो ऑपरेशनली डेवलप मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ऐसी तकनीक अभी तक किसी के पास में नहीं है इन द वर्ल्ड, क्लियर। अब यहां पे बात करें, चाइना इज ऑल्सो बाइंग द सिस्टम इन 2015, और इसकी डिलीवरी 2 जनवरी में की गई। अब हम इस मिसाइल सिस्टम को ले रहे हैं, जो कि एक तरीके का
गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई है भाई अच्छे तरीके से। अब उस मिसाइल को देख लीजिए भाई, S-400 का जो यूनिट है वो कुछ इस तरीके से है भाई। इसमें कुछ तीन चार यूनिट में मिलकर के ये आता है, मतलब एक यूनिट में इतने व्हीकल्स होते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको दो चीज समझनी है, जिसमें पहली चीज क्या है कि मिसाइल की रेंज यदि आपसे पूछा जाएगा तो मिसाइल की रेंज तो आपको 400 किलोमीटर ही लगाना है भाई। लेकिन यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने और उसने पूछ लिया कि S-400 जो मिसाइल है उसकी राडार रेंज कितनी है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, राडार रेंज की यदि मैं बात करूं तो राडार रेंज आप लोगों को 400 नहीं लगाना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको 400 किलोमीटर दिया जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही लिख रखा है S-400, मतलब राडार रेंज भी कितनी हुई 400 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है, एग्जामिनर बहुत सोच समझ के आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, सर्वेलेंस राडार जो रेंज है इसकी ये कितनी लिखी गई है यहाँ पे, तो आप लोग को ध्यान में रखना है इसकी जो राडार रेंज है वो 600 किलोमीटर है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिए, मिसाइल की अटैकिंग रेंज कितनी है तो 400 किलोमीटर, लेकिन उस मिसाइल को जिस चीज के तहत यानी एनिमीज की जो मिसाइल को डिटेक्ट किया जाएगा ये पता लगाया जाएगा उसके राडार रेंज में आने वाली मिसाइल के तहत, है ना। और राडार रेंज को कितना रखा गया है तो 600 किलोमीटर। और इस राडार रेंज में यदि कोई दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट आता है तो ये अपनी कंट्रोल यूनिट को मैसेज पास करता है एंड फिर ये मैसेज जाता है इस मोबाइल लॉन्चर की तरफ और यहां से फिर जाता है फोर्थ यूनिट की तरफ और यहां से फिर अटैक किया जाता है। रॉकेट हुआ या फाइटर जेट प्लेन हुआ, है ना, दुश्मन की सरफेस टू एयर मिसाइल हुई, उस तरीके से ये मिसाइल सिस्टम अपना काम करता है। क्लियर? तो ये व्हीकल मिला करके एक यूनिट होती है जो हमें मिल रही है ना। और आपको अब ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसी कितनी मिसाइल हम ले रहे हैं रशिया के साथ में। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को लेकर के, कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम क्या है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्या नाम है भाई, जर्मनी के बेंजामिन और यूएस बेस्ड जो डेविड मैकमिलन है, इन्होंने नोबेल प्राइज के लिए अनाउंस हुआ है इनका नाम, और वो भी कौन से सब्जेक्ट को लेकर के, और वो है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। यहां पे क्या बात की जा रही है कि इनके जॉइंट रिसर्च को 2000 में जो इन्होंने रिसर्च किया था उसको इस बार अप्रूवल किया गया, और इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया है भाई, एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन किया है जहां पे ये कहा जाता है कि आपने दो तरीके के टाइप के कैटलिस्ट पढ़े होंगे जिसमें एक होता है मेटल और दूसरा होता है एंजाइम। इन्होंने तीसरे एक पार्ट को इन्होंने अचीव किया है जिसको एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस कहा जाता है। ये जो केमिकल रिएक्शन की जो पावर है रिसर्च को, है ना, तेज कर देता है, इस चीज को लेकर के इन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, इस मॉलिक्यूल्स का इन्वेंशन किया है भाई, जिसके लिए इनको कहा गया है कि भाई ये इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इन्होंने बताया है कि भाई कि मेडिसिन को बनाने में केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को बढ़ाया जाता है, तो इसलिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। मेडिसिन को बनाने में किया जाएगा भाई, इन्फेक्शंस को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे इसको बताया है। ठीक है, किसका नोबेल प्राइज मिला है तो केमिस्ट्री का, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब फिर आप बोलेंगे कि सर नोबेल प्राइज की हिस्ट्री हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा नोबेल प्राइज को मैंने और ज्यादा डेप्थ में लेकर के आया हूं ताकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन ना जाए भाई, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए भाई, क्या है कि
कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है ये बॉर्न हुए थे 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, ठीक है। और ये नोबेल इन्वेंटेड जो है इन्होंने डायनामाइट 1867 में इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। और आप सभी को पता ही है कि ये इन्वेंशन पूरी दुनिया के लिए बड़ा यूनिक इन्वेंशन था, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे देशों की इस चीज को पाने के लिए बहुत डिमांड थी, जिसके बदले में इनको खूब सारा पैसा मिला है भी, है ना। ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और फिर इन्होंने ये बताया है कि भाई कि इस चीज को नोबेल साहब ने ये अपने जो टेस्टामेंट होता है जिसमें वसीयत नामे में ये लिख करके गए कि भाई कि इनके इस पैसे का सही तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। ध्यान रखना, शादी कर लेते हैं तो फिर इस प्रकार के आपको अवार्ड या प्राइज मनी के बारे में आप नहीं सोच सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई कि इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और कुछ कैटेगरीज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर पीस, में नोबेल प्राइज के लिए ये बनाया गया कि भाई कि इन सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 5 सब्जेक्ट ही हुए, नोबेल प्राइज तो 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पे अगली लाइन को देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, इसने एस्टैब्लिश किया द स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो 1968 में 6th नंबर के प्राइज को जोड़ा गया मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल। क्लियर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्वेरिजेस रिक्स बैंक जिनका नाम आप सुन रहे हैं, ये दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक है जिसको स्वीडन ने एस्टैब्लिश किया था। एक चीज यहां पे आपके लिए ये बहुत बढ़िया निकल करके आई है, और वो ये है, स्वेरिजेस बैंक दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक है, जैसे कि आज की डेट में भारत में आप सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं आरबीआई को। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। 10th ऑफ दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड बर्नार्ड साहब की डेथ हो गई। और इसके बाद में जो रैगनर सोलहम थे और रुडोल्फ जो थे, इन्होंने मिल करके 29 जून को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की, उसे एस्टैब्लिश किया, और 1901 से इस प्राइस को देना स्टार्ट किया गया। क्लियर। आज की डेट में प्राइस अमाउंट, ये थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेना, 2021 के हिसाब से स्वीडिश क्रोना में दिया जाता है 10 मिलियन पर फुल नोबेल प्राइज दिया जाता है स्वीडिश क्रोन में, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया लगभग 8.5 करोड़ के आसपास में प्राइज दिया जाता है। एक सब्जेक्ट में मिनिमम एक और एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। 1901 की हिस्ट्री की हम बात करें, जो पहला नोबेल प्राइज था वो 5 सब्जेक्ट्स में दिया गया था, और ये है वो नोबेल प्राइज विनर फर्स्ट टाइम के, जैकब हेनरिकस वेन टी हॉफ को, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको केमिस्ट्री का दुनिया में पहला नोबेल प्राइज दिया गया। आगे बात कर लेते हैं फिजिक्स की। विलहेम कॉन्राड रॉन्टिंजन जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं, इनको पहली बार दुनिया का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया एमिल वॉन बेरिंग को, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया सुली पुर्डोहम को दिया गया, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पीस का नोबेल प्राइज हेनरी ड्यूरेंट को दिया गया, और उनके साथ में फेडरिक पैसी, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को ज्वाइंटली तरीके से पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। हेनरी ड्यूरेंट का नाम आप लोग याद रखें। आज की डेट में जिस संस्था का नाम आप सुनते हैं आईसीआरसी यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सुना है, 1863 में इसकी शुरुआत की थी हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा ही। क्लियर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा क्या और हो सकता है, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज जिनका नाम है मैरी क्यूरी, और इन्होंने इस नोबेल प्राइज को 1903 में यानी 3rd एडिशन में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स कैटेगरी में। क्लियर।
1904 में पहली बार किसी इंस्टीट्यूट को नोबेल प्राइज दिया गया था जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन पीस। क्लियर। चले आगे बात कर लेते हैं, 1969 में फर्स्ट इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, क्योंकि 68 में तो ऐड किया, अवार्ड दिया एक साल बाद, यानी 1969 में पहला ये अवार्ड दिया गया दो लोगों को ज्वाइंटली तरीके से, रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्गन को ये अवार्ड ज्वाइंटली तरीके से इकोनॉमिक्स में दिया गया। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर। आप टेंशन मत लीजिए भाई, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला पार्ट और अच्छे तरीके से समझ लीजिए भाई। अगले पार्ट में क्या है कि द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन है, जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कई बार देखा है ना। तो मलाला यूसुफजई का नाम आप लोगों ने सुना है, 17 साल की थी जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया। वही अफगानिस्तान में आप लोगों ने देखा था कि चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के इन्होंने आवाज उठाई थी, जिसको लेकर के इनको शूट कर दिया था। बड़ी मुश्किल से ये बची हैं, तो जिसको लेकर के 2014 में यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, जिनको पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। पीस का नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ में मिला था ज्वाइंटली तरीके से 2014 में। क्लियर। जो कि एक भारतीय है। आगे की बात कर लेते हैं, द ओल्डेस्ट पर्सन जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया, सबसे उम्र दराज के व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राइज मिला, 97 की एज में, जिनका नाम है जॉन बी गुड इनफ। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको 2019 में मिला था। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगली जो लिस्ट है वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मल्टीपल नोबेल लॉरिएट्स कौन है जिनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है। तो नंबर वन जॉन बार्डिन फिजिक्स में इनको 1956 में मिला, और फिर दूसरी बार फिजिक्स में 1972 में इनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है। मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स का पहला एंड केमिस्ट्री का 1911 में दूसरा नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्लियर। तीसरा पर्सन लिनस पॉलिंग, जिनको केमिस्ट्री में 1954 में पहला एंड पीस का नोबेल प्राइज 1962 में मिला। क्लियर। अगला नाम फ्रेडरिक सेंगर, जो कि केमिस्ट्री में 1958 में इनको पहला मिला, वहीं दूसरा केमिस्ट्री के अंदर 1980 में इनको दोबारा ये नोबेल प्राइज मिला। आगे बात कर लेते हैं, यूएनएचसीआर को पीस का नोबेल प्राइज 1954 में पहली बार मिला, और वहीं पर दूसरी बार 1981 में दूसरी बार पीस का नोबेल प्राइज मिला। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यदि किसी इंस्टीट्यूशन को मिला, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, आईसीआरसी यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको तीन बार मिल चुका है, 1917 में पहला, 1944 में दूसरा एंड 1963 में तीसरी बार पीस का नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। चलिए अब आ जाते हैं इंडियन लॉरियट्स की तरफ, जिनको नोबेल प्राइज मिला है भारत में। तो पहले शख्स या पहली हस्ती जिनको मिला, पहले पर्सन, तो रविनाथ टैगोर 1913 लिटरेचर में इनको पहली बार गीतांजलि बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। सेकंड इंडियन सीवी रमन 1913 फिजिक्स में इनको मिला। हरगोविंद खुराना 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन को लेकर के इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट मदर टेरेसा 1979 में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला इनको। अमर्त्य सेन, क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में कि वो पहले भारतीय कौन थे जिनको इकोनॉमिक्स का पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, तो 1998 इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। इनकी
बुक भी है, द ऑर्गुमेंटेटिव इंडिया, इन्होंने लिखी है, बड़ी फेमस बुक है। अगला नाम है वेंकट रमन रामकृष्णन, 2009 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। एंड लास्ट कैलाश सत्यार्थी, 2014 में पीस का नोबेल प्राइज इनको मिला, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, इन्होंने अभी तक लाखों बच्चों की जान बचाई है। भाई बचाओ मतलब कि उनके उनका ध्यान, उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के इन्होंने काम किया है, जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एनआईए ने पूरी जिम्मेवारी ले ली है भाई, किससे? डीआरआई से, यानी डायरेक्टोरेट जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जो कि सीबीआईसी के अंडर में काम करता है। तो यहाँ पे डीआरआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1957 में ये बना था। क्लियर? और ये गवर्नमेंटल, ये जो है डिपार्टमेंट है। इसके बाद में बात करें, न्यू दिल्ली के अंदर काम करता है इसका हेडक्वार्टर। एंड बालेश कुमार जो है इसके राइट नाउ डायरेक्टर जनरल। इसकी पेरेंट एजेंसी की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको सीबीआईसी। सीबीआईसी ये वही है जो भारत के अंदर जीएसटी टैक्स को वसूल करती है, रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, जीएसटी वाले पार्ट को। डायरेक्ट टैक्स को वसूलने के लिए सीबीडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को वसूलने के लिए सीबीआईसी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूएपीए, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंप्लीमेंट कब हुआ, तो 1967 में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है जो अनलॉ एक्टिविटी भारत के अंदर कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी ही क्यों ना हो। इसमें बहुत ही कड़क सजा के कॉन्सेप्ट भी रखे गए हैं भाई, यहाँ पे यूएपीए के अंदर। इसे कब बनाया गया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 30 दिसंबर 1967 में, और उसमें से लेकर के अभी तक, यानी लास्ट 2019 तक, काफी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। और उन अमेंडमेंट के द्वारा काफी सारी चीजों को इस यूएपीए के अंदर जोड़ दिया गया है। क्लियर? जो देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए जो खतरा बन जाए, उस चीज को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं कि उन लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा और उनके लिए फिर सजा भी रखी जाएगी, सजा दी जाएगी भाई, जो देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो अनलॉफुल एक्टिविटी भारत के अंदर करता है। ये चीज को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, जिस तरीके के पॉल्यूशन है, जिस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उस चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड में बताया है कि सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलेट मैटर है या सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है, वो यूपी के अंदर देखने को मिलता है। चल, एशियन मीट, जिसमें बात की जा रही है कि भाई कि उसमें जनता को बुलाना चाहिए, जनता चीफ को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, यहाँ पे ये बात की जा रही है। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि हु इज द करंट चीफ, आर्मी चीफ ऑफ म्यांमार, जो कि अभी रूल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप जो वहां पे चल रही है भाई। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, एशियन की बात कर लेते हैं। एशियन आपको मैप में दिख रहा होगा कलरफुल तरीके से, ये एशियन ग्रुप है। पहली बात तो आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि एशियन में कितने मेंबर आते हैं। तो एशियन में 10 मेंबर आते हैं भाई। इनको आप याद कैसे करेंगे, पहले तो आप कंट्री के नाम समझ लीजिए। म्यांमार, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, ये है म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। ये है थाईलैंड, जो येलो कलर में उसी से लगा हुआ है। इसके बाद में ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसको सिंगापुर कहा जाता है भाई। ये मलेशिया है, ये वाले पार्ट में आप जो देख रहे हैं। इसके बाद में ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है, ये कंबोडिया, वियतनाम। फिर ये ग्रीन जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये फिलीपींस है। क्लियर? इसके बाद में जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ब्रुनेई है। और ये जो ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है पार्ट, जिसको हम आर्किपेलागो कहा जाता है, आइलैंड्स का या आइलैंड कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे आइलैंड है पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इंडोनेशिया। और ये वही जगह है जहां पे इस एशियन ग्रुप का हेडक्वार्टर भी है, जिसको हम बोलते हैं जकार्ता। क्लियर? तो आप इसको याद रखने का जो ट्रिक है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी एम सी, ठीक है,
MTV और IPLS के नाम से आप जान सकते हैं या याद रख सकते हैं। आईपीएल आप लोगों ने सुना ही होगा, आईपीएल अभी चल भी रहा है, तो आईपीएल को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और आईपीएलएस कर दिया उसको। बीएमसी, एमटीवी, आईपीएलएस, ये हो गई आपकी 10 कंट्री। यहाँ पे बी क्या बोलता है, तो बी यहाँ पे ब्रुनेई बोलता है। एम म्यांमार हो गया, सी कंबोडिया हो गया, एम से यहाँ पे क्या हो गया मलेशिया, यहाँ पे हो गया थाईलैंड, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे हो गया आपका वियतनाम, आई हो गया इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस एंड लास्ट में सिंगापुर। तो ये टोटल 10 मेंबर कंट्रीज मिल करके एशियन ग्रुप को बनाती है। अब एशियन के बारे में जान लीजिए भाई, एशियन क्या है? एशियन एक साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जिसको हम एशियन के नाम से जानते हैं। ये उसका लोगो है, ठीक। स्टैब्लिश कब हुआ है, तो 1967 8th ऑफ अगस्त बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी थाईलैंड के अंदर इसका डिक्लेरेशन हुआ और इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने आपको। मेंबर्स स्टेट 10 और उनको याद करने का भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। लास्ट मेंबर कंट्रीज में कंबोडिया थी, जो कि 1999 में इसमें ऐड हुई, क्लियर। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो लिम जोक होई मोन, जो कि ब्रुनेई से बिलोंग करते हैं, ये राइट नाउ इसके हेड है, क्लियर। एशियन कंट्रीज हैव टोटल पॉपुलेशन 650 मिलियन पीपल, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एंड कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जो कि कवर करती है 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर, क्लियर। एंड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसके साथ में, जो कि 86.9 बिलियन यूएस डॉलर के साथ में बिजनेस यहाँ पे करती है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, और कुछ थोड़ा सा जो डेटा है वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है, 36 एंड 37 एशियन समिट 2020 में हो चुकी थी, है ना। वर्चुअली तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, हनोई में वियतनाम की कैपिटल जो है यहाँ पे इसको कराया गया था। चेयर थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर न्यूगिन जो जुआन है, वो इसके चेयरपर्सन थे, लीडर थे। नेक्स्ट समिट होने वाली है, अभी आपको बताया 26 28 के बीच में ये होगी, 38 39, क्योंकि साल में दो समिट इसकी होती है। बंदर सेरी में ऑर्गेनाइज की जाएगी, बंदर सेरी ब्रुनेई की कैपिटल है, और इसको चेयर करेंगे वहां के सुल्तान हसन अल बोल्किया, क्लियर। ये नाम आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आएगा, इसकी पहली समिट कब ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इसकी पहली समिट इंडोनेशिया बाली आइलैंड में 1976 में की गई। 18th समिट एशियन इंडिया समिट 2021। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे इंडिया क्यों लगा है, तो इंडिया एशियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर साल इसकी समिट में इंडिया को बुलाया जाता है, जिसको हम इंडिया एशियन समिट के नाम से जानते हैं। तो 18th समिट होगी इस साल की 2021 में, जगह वही है जहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहली एशियन इंडिया समिट हुई थी 2002 में, जिसको नॉम पेन में कैपिटल में कराया गया था, जो कि कैपिटल थी किसकी, किंगडम ऑफ कंबोडिया की। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया है। तो आज के द हिंदू एनालिसिस सीरीज में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।